बॉल को फॉलो ऑन। बहुत यहाँ पर कमाल का शॉट, यहाँ पर धमाल का गोल पूर्ण मुर्गी। मिलेंगे फिर, यानी कि इस ऐतिहासिक गेम के मैदान। तो चलिए प्लीज वेलकम ऑन द माइक्रोफोन मिस्टर पवन। थैंक यू सो मच प्रोफेसर टूडू जी, और विलंब से आए हुए दर्शक साथियों को जानकर के लिए बता दूं, ये जो आप अभी मैच देख रहे हैं मैदान के अंदर, ये टूर्नामेंट का पहला दिन का सेमीफाइनल मैच है, जिसमें खेल रहे हैं एजीएस गौड़गौड़ा, उसके उसका सामना कर रहे हैं जेवाईसीएफसी वेस्ट बंगाल। मैदान के पूर्वी छोर पर जो टीम है, मिक्सिंग व्हाइट रेड एंड पिंक जर्सी पर, ये है जेवाईसी वेस्ट बंगाल टीम के खिलाड़ी। और मैदान के पश्चिमी छोर पर जो टीम है रेड और ब्लू बॉर्डर जर्सी पर, यह है एजीएस गौड़गौड़ा टीम दिखा रही। दोनों ही टीमों में अच्छे अच्छे खिलाड़ी के समावेश है। मैं फिर से बाद सभी टीमों के खिलाड़ियों से आप सभी को परिचित करा दूं। पलटू सिंह जर्सी नंबर 15 पर, मंगल किस्कु जर्सी नंबर 13 पर, गोविंदा सिंह जर्सी नंबर 10 पर और जितेंद्र सारण जर्सी नंबर 11। अतिरिक्त खिलाड़ी ग्रुप में झंटू बास्ता और कपिल को टीम में शामिल किया गया है। बहुत ही कमाल का टीम बना कर लाए एजीएस गौड़गौड़ा टीम के मैनेजर ने, उनके साथ साथ जेवाईसी एफसी वेस्ट बंगाल टीम की मैं जहां तक की बात करूं, इस टीम में गोल रक्षक का भूमिका निभा रहे रविंद्र जर्सी नंबर 1 पर, 5 नंबर के जर्सी पर पूर्ण मुर्मू, दीपक हांता जर्सी नंबर 12 पर, विजय मुर्मू जर्सी नंबर 4 पर, सामू मुर्मू जर्सी नंबर अंकित नहीं किया गया, बोडा सोरेन जर्सी नंबर 11 पर, सुशील माडी जर्सी नंबर 10 पर, राजस्थान सोरेन जर्सी नंबर 7 पर और राजेश मुर्मू जर्सी नंबर 8 पर। बहुत ही कमाल का टीम बना कर लाए जेवाईसी टूर्नामेंट का नाम पुलु दिन नाम सेमीफाइनल मैच नोर पहने का नाम जेवाईसी वेस्ट बंगाल फुटबॉल टीम अटाडी नाम उनको तुलु के का नाम एजीएस गौड़गौड़ा टांडरना चंद्र का पाटा जहां टीम मंडल नाम एक लील आरा मिक्सिंग जर्सी थे निकी को ही को नाम जेवाईसी वेस्ट बंगाल टीम ने खिलाड़ी आ रहे टांडरना चंद्र हसुर पाटा रे जहां लील आरा बॉर्डर जर्सी को नेले को निकी को ही को नाम एजीएस गौड़गौड़ा। चलिए पर लेफ्ट जोन में सुनील के कब्जे बॉल आता हुआ, बैक पास पर 4 नंबर खिलाड़ी के लिए, 4 में जैसे पर जो खेल रहे ये है धीरेन, पिछले फर्स्ट राउंड से शॉट, यहाँ पर धमाल का गोल, जीरो हिंगल से यहाँ पर इस तरह का शॉट, यहाँ पर मैं पहले बता चुका था इस तरह का शॉट किसी भी तरह के गोलकीपर को 80% बचाने में दिक्कत होता है। जीरो एंगल से इस तरह का लोपटेड शॉट लगाए, कौन से खिलाड़ी ने गोल लगा है हाथ उठाकर परिचय दे देंगे, जर्सी नंबर दिखा देंगे बाबू। चलिए ये है इस फॉर्म में टीम नंबर मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा है, जिसके अंदर मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। फिलहाल जो भी हो टीम के मैनेजर आगे थोड़ा सा आपको जर्सी नंबर करेक्शन कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे यानी कि आप निश्चित तौर पर तो चलिए यहाँ पे निश्चित तौर पर कमाल का खेल को दर्शा चुके हैं जर्सी नंबर 3, 3 हालांकि जर्सी नंबर है उनका 3 और काम के है 1 नंबर का कमाल का गोल किए पहला ही चक्र में एजिस गुड़गुड़ा ने पहला ही हाफ में।
क्षमा चाहूंगा, पहला ही हाफ में कमाल का गोल को दर्शा है इस पहला सेमीफाइनल के तौर पर। कमाल का असिस्ट था और कमाल का शॉट था और आपने आपको यहाँ पे हीरो साबित कर चुके हैं और अपने टीम के लिए ऑफर है, जो भी पहला गोल करेंगे, गोल को वापसी करेंगे, वेस्ट बंगाल टीम के लिए ऑफर है, जो पहला गोल दागेंगे उनको ₹1000 नगद राशि देकर, सॉरी क्षमा चाहेंगे ₹100 नगद राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। और गोल जो किया है दिलीप सिंह, उनका नाम है दिलीप सिंह सिंह, जिस अंदाज में आज खेले हैं पूरे सिंह का यहाँ पर धमाल हुई है। और सिंह की अगर बात करें, सिंह एक किंग राजा, किंग है राजा और सिंह भी राजा आज बन चुके हैं। किंग है राजा और सिंह भी राजा आज बन चुके हैं। किस तरह से दोनों टीम खेल खड़ी है, जिस तरह से खेल रहे हैं, आपको क्या क्या लगता है बचे हुए समय में और एक जमीनी गोल दाग पाएंगे अपने टीम के लिए कोई भी टीम खिलाड़ी? निश्चित तौर पर गोल दागेंगे, जिस अंदाज में यहाँ पर खेल रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर मनोबल खौफ आसमान पर पहुंच चुके हैं दोनों ही दल के खिलाड़ी का। और कहीं ना कहीं इस बार की उम्मीद कर सकते हैं कि ज्यादा गोल आएंगे, यानी गोल की बरसात होगी, एक गोल से संतोष नहीं होगी यहाँ दोनों ही दल के खिलाड़ी। दिस इज द फैंटास्टिक मैच ऑन गोइंग फर्स्ट सेमीफाइनल मैच दिस टाइम। व्हाट अ मैच, व्हाट अ ब्यूटीफुल कंट्रोल बाय प्लेयर एंड दिस टाइम लेफ्ट हैंड किक सच टीम प्लेयर वाह बाबी अपॉर्चुनिटी जसवंतरी हैज द बॉल बट दिस टाइम स्नेक्स सक्सेस प्लेयर ऑफ द वेस्ट बंगाल टीम। मौका बनेगा निश्चित तौर पर इस बार जैसे में सेवन कमाल का कंट्रोल किए समुख लेकिन को डाला गया अच्छी यहाँ पर दो गुनी चीज जोश को दर्शा चुके हैं अच्छी कड़ी मेहनत करते हुए और मेहनत इस बार नजर बचा रखता हुआ और एक 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 गोल की बर्बादी हो चुकी है। यहाँ पे आप कहना और करना काफी मुश्किल है, यानी कि आप कल्पना करना काफी दिक्कत की बात है, आप कल्पना नहीं कर सकते। फुटबॉल एक अनिश्चित है और यहाँ पे नियरेस्ट पास के सामने एक बहुत बड़ा गलतियां देखने को मिला। विच प्लेयर सेकंड गोल इट विल बी अ मैटर टू बी सीन बट बोथ टीम ट्राई टू विन द मैच। एंड पवन जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या फिर से गोल आएगी या नहीं? मगर एक पसंदीदा मैच, एक प्रभावशाली मैच चलती हुई मैदान के बीचों बीच ऐसा लग रहा है मानो ये आईसीएल का मैच चल रही है जैसा लग रहा है। जी हाँ परमेश्वर जी, ये किसी आईएसएल से कम नहीं है, दोनों ही टीमों में अच्छे अच्छे खिलाड़ी का समावेश है। लेकिन जहां 7 नंबर खिलाड़ी राशन सॉरेन अब देखने वाली है कॉन्टेस्ट वाली मैच। चलिए पर सुनील का कर्ली शॉट लगने पर दीपक हेडिंग के जरिए बॉल बचा चुके हैं। बना टिप लेकिन नपा नपाए खिलाड़ी सेलेक्ट मना को और हाफ टाइम हुई तो रखना हाफ टाइम हुई पर टंडर नाम चंदर का पाटा रहे एजीएस गोड़ गोड़ा आ रहे टंडर नाम चंदर सुर पाटा रहे जेवाईसी एफसी टीम ने खिलाड़ी बनार पास्ता के मेटा मेटा गोल गोपल हुई के नाम नील का बन बंचा कौन समय रहे और कोई टीम ने खिलाड़ी निजे टीम ने कितना आरोप मिटा करते गोल को गोल गोपल साबित करता हुआ कि हम भी मेरा क्लब भी और मेरा टीम भी इस वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से मैच से कम नहीं है। चलिए यहाँ पर एक दो टीम में ऐसे ऐसे प्लेयर मौजूद है जो किसी भी वक्त मैच को तस्वीर बदल देते हैं। मैंने इसके और अगर हम बात करें सुखदेव सिंह जैसे प्लेयर मौजूद है, ये अगर टीम
टिकड़े एक टीम की तरफ से होते हैं तो फिर असंभव को संभव में बदल देते हैं, ये इनकी खूबियां है। मगर क्या इस सवाल के लिए किस तरह इसको डालने का प्रयास, और यहाँ पे सही डिफेंसिव करते हुए दीपक हासदा ने गेंद को क्लियरेंस करने में सही समझा। गोल उतर करना भाई, गोल ये लगाना पिया गोल लोहा सिर्फ अनिल मैच रहे दो गोल देखी लहा हा करना। वेस्ट बंगाल टीम टीम खिलाड़ी और मीट दू एक मिला किना मीट टीम। मगर आज देखते हैं यहाँ पे सो सोनर में एक लोहार देखने को मिला निश्चित तौर पर, जिस तरीके से यहाँ पे जे वाई सी एफ सी वेस्ट बंगाल की टीम ने पहला गोल दागे थे। राशन सोरेन पहला गोल दागे थे और दूसरा गोल जो दागे हैं, यानी कि सो सोनर में एक लोहार का काम किया है वे है पूर्णो मुर्मो। कमाल का गोल देखने को मिला है पूर्णो मुर्मो के जरिए। और अभी भी यहाँ पे गहमा गहमी चल रहा हुआ, धीरे धीरे समाप्ति कतार पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेंटली प्रेशर हाई होता हुआ आज इस गुरुग्राम की टीम के खिलाड़ी। तो पवन जी यहाँ पे कमाल धमाल में मिशन और जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम होगी। सेकंड हाफ में अलग रणनीति चलाई यहाँ पे, जैसे इंटरवल हुई और इंटरवल होने के बाद एक मिनट के अंदर ही एक गोल देखने को मिला पूर्ण मुर्मू के द्वारा सेकंड गोल। और इस क्रम में दो एक की बढ़त बनाकर खेल रही है, मौका बन सकता है गोल करने का। अभी जब तक एहसास तब तक यहाँ पे राजा राम जी क्या होगा अंजाम और क्या होगा परिणाम और कौन करेंगे पूरा पूरी काम और कौन कौन यहाँ पे रखेंगे अपनी मान सम्मान। खेलते हैं खिलाड़ी जब उनमें खेलने की आस, खेलते हैं खिलाड़ी जब उनमें खेलने की आस, अलग क्यों पाते हैं गोल जब उनमें होते हिम्मत खेलने विश्वास। निश्चित तौर पर यहाँ पे बहुत बड़ा मौका, लाल जब आप यहाँ पे क्या एक्यूरेसी पास क्या एक्सपीरियंस हमें दर्शा चुके हैं, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम होंगे। और दर्शक का दिल अब यहाँ पे कहीं ना कहीं काफी खुश नजर आते हुए दर्शक कहीं ना कहीं आज ग्रामीण क्षेत्र में भी अच्छे अच्छे प्लेयर उभर कर सामने आए हैं, जिसके कारण गोल के बाद गोल तीन गोल लगातार बैक टू बैक आए हैं दोनों दल की तरफ से। फुटबॉल एक बाल का खेल है मगर आज के डेट में फुटबॉल स्टैंडर्ड हो चुका है। आज के जमाने में तकनीक के साथ साथ तजुर्बा बुद्धि रनिंग शॉटिंग पासिंग हेडिंग कई सारे टेक्निक है, इस चीज को स्टैंडर्ड किया गया है, जिसके कारण आज सभी टूर्नामेंट में अच्छे अच्छे खिलाड़ी अच्छे अच्छे टीम्स शामिल हो रहे हैं। आज की से एक ग्रुप का इसी वजह सबसे ज्यादा गोल मगर सबसे ज्यादा गोल करने वाले टीम यही होंगे शायद, इसका रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है। ग्रुप ए का खेल में सबसे सर्वश्रेष्ठ गोल दागने वाली ये टीम रिकॉर्ड कर चुके हैं। इस टीम के फाइनेंसर मन मन सोच रहे हैं मेरा टीम जरूर जीतेगा, एक स्टेप आगे निकल चुके हैं अपनी टीम से। तो यहाँ पे पवन जी अभी भी जिस अंदाज में यहाँ पे दोनों ही दल खेल रहे हैं, टाइम बहुत है, गोल कर सकते हैं, क्या गोल कर पाएगी या नहीं, आप इस दलदल में फंसे हुए सिचुएशन इस सीरियस सिचुएशन में कौन सी टीम उभरेंगे कमजोर होंगे ये देखा जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? हेलो 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 मिथी एफसी के जितना भी टीम प्लेयर आप लोग इधर उधर भटक गए हैं, आप लोग अपने अड्डे पर चले जाए, आप लोग का गाड़ी छोड़ने वाली है। मिथी एफसी के सारे प्लेयर्स एवं दर्शक जो भी हैं आप लोग अपने गाड़ी पर चले जाएं, आपकी गाड़ी छोड़ने वाली है। चलिए अच्छी मेहनत हो रही है इस बार कमाल का की मौका बनने के क्रम में है।
यहाँ पे बेहतरीन मोमेंटम को तैयार करने का। Thank you.